वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ मिलोफा अंसारी। गोवा जाने वाले पर्यटक एक बार इस वीडियो को जरा गौर से देख लीजिए। वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स भी एक पर्यटक के रूप में गोवा गया था, जिसका लाठी डंडों वे चाकू से हमला कर ये हाल कर दिया गया। गोवा के अंजुना इलाके में स्थित स्पाजियो लीजर रिसोर्ट की यह घटना है, जहां होटल स्टाफ ने जतिन शर्मा वे उसके परिवार वालों पर हमला कर दिया। उन्हें बचाने के लिए जतिन की बहन रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन हमलावर नहीं रुके। जतिन की बहन ने बताया होटल स्टाफ ने उनके साथ बेहद गंदे तरीके से बर्ताव किया था। इसकी शिकायत होटल मैनेजर से की गई, जिस पर मैनेजर ने कर्मचारी को फटकार दिया। इससे आहत बाकी स्टाफ ने बाद में जतिन शर्मा, मामा वे बाकी परिजनों पर हमला कर दिया। पीड़ित जतिन की बहन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपने वीडियोस तो देख ही ली होंगी, तो अब इसके बाद यही मैं कहना चाहूंगी, गोवा बिल्कुल सेफ नहीं है। हम 5 तारीख को रिजॉर्ट पहुंचे, स्पेजियो रिजॉर्ट अंजुना में है। वहां के स्टाफ ने हमारे साथ बहुत गंदी तरीके से बात करी, हमने उससे कंप्लेन कर दी मैनेजर से, मैनेजर ने उसको आउट करा। हम फिर वापस अपना नॉर्मल हो गए, पूल में नहा रहे थे। वहां मेरे मामा थोड़ी देर 2 मिनट बाहर घूमने गए, बाहर भी क्या गेट तक ही थे, तो मामा ने देख लिया सारे 12-15 लोग खड़े हैं बाहर। मामा ने उनकी वीडियो बनाई, इतने में ही उनको गुस्सा आया, उन्होंने अब्यूजिंग चालू करी और जो भी था मेरे मामा पे हमला हुआ। मेरा भाई भागा भागा बाहर गया, सारे हम जो थे हम सारे बाहर गए। हम सब पे वार हुए हैं, मेरे भाई पे इतने बुरी तरह चाकू से वार हुए हैं, हमें पता है हमने कैसे सिचुएशन से डील किया है। पूरा खूनम खून हो रखा था मेरा भाई। लोकल्स थे, लोकल्स ने बहुत बहुत गंदे लोग थे, बहुत ही गंदे लोग हैं लोकल्स। मेरे पापा, मेरा भाई, मेरे मामा तीनों हॉस्पिटलाइज। मेरे भाई और पापे की बहुत सीरियस कंडीशन थी, मेरे पापा की कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई। मेरा भाई होटल आया तो उठने लायक भी नहीं था, फिर भी पुलिस कह रही है कि यही आके स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। इस कंडीशन में मेरा भाई स्टेटमेंट देने गया है, पुलिस नहीं आई स्टेटमेंट लेने। मामले में अब तक पुलिस 3 आरोपी रॉयल्स्टन डायस, नायरोन डायस सहित काशीनाथ अगरवाड़ेकर को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट किया है कि अंजुना की हिंसक घटना चौंकाने वाली और असहनीय है, साथ ही अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।